सबका स्वागत है। मैं हिमांशु तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कंसल्टेंट। आज साइंस डे है, नेशनल साइंस डे। सीवी रमन एक महान साइंटिस्ट जिनके बारे में आज बात करेंगे हम। वो एक ऐसे शख्स है, एक ऐसे विशेषज्ञ है, एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने सपनों के लिए अपनी जो फाइनेंशियल सिविल सर्विस की जॉब थी उसको भी छोड़ दी। वो कहा भी गया है कि सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। 10 साल फाइनेंशियल सिविल सर्विस में जॉब करने के बाद उन्होंने जब अपनी जॉब छोड़ दी और साइंस के रिसर्च फील्ड में आ गए तो कोई नहीं जानता था कि वो एक आम इंसान फिजिक्स का नोबेल प्राइज ले आएगा। 1928 में जब उन्होंने डिस्कवरी की स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, वो 1921 में जा रहे थे इंग्लैंड और वो देखते हैं कि आखिर इसका रीजन क्या है कि जो ब्लू स्काई है उसका रीजन क्या है। और वहीं से उनके दिमाग में आ गया कि मैं इसी फील्ड में रिसर्च करूंगा। और जानते हैं 7 साल बाद 1928 में उन्होंने जो रिसर्च की उसी के कारण उनको नोबेल प्राइज मिला। इतना विश्वास था उन्हें अपने ऊपर कि 1928 में उनको मिलेगा ही मिलेगा। 1928 में नहीं मिला, 1929 में मिलेगा ही मिलेगा, उसमें नहीं मिला। लेकिन 1930 में इतना विश्वास था कि उन्होंने जुलाई में ही टिकट कर ली थी और उनको फिर नोबेल प्राइज मिला। आइए कुछ ऐसे ही विचारों के साथ आज हमारे विषय के जो विशेषज्ञ हैं, NCSC प्रोग्राम के फॉर्मर रिसर्चर पंकज कुमार जी। उनका एक रिसर्च पेपर है, द एसिडिक ब्लाइट लिप्स इन पैडी प्लांट। आइए कुछ जानते हैं उनसे ही आज की जो नेशनल साइंस डे है, सीवी रमन जी के बारे में कुछ खास चीज़ें और कुछ ऐसे पहलू जिसे आपको रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। आपका स्वागत है पंकज जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंकज जी, हमारा आपसे पहला सवाल है कि जो ये लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग जो कि इस बार नेशनल साइंस डे का थीम है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर हम आप सभी लोगों का, हमारे मेन मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत ही मुख्य सलाहकार जो एक जाने माने सलाहकार हैं और हमारे बीच क्वेश्चन वार्ता के साथ बैठे हुए हैं, और उनका मैं अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो आज विज्ञान, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम दी गई है, लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग, लोगों के लिए विज्ञान, जो विज्ञान है वो लोगों के लिए क्या है और विज्ञान के लिए लोग कैसे होने चाहिए। आज प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान युग तक और भविष्य में कैसे परिवर्तन होने चाहिए विज्ञान के प्रति, उसी के बारे में इस वर्ष भारत की तरफ से यही थीम जो आप सभी लोगों के बीच रखी गई है। तो लोगों के लिए विज्ञान का जो रुझान होना चाहिए वो एक तरीके से पूरी तरह प्रयोगात्मक होना चाहिए। प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकली, जैसा कि आप लोग बहुत स्टडी करते हैं और अध्ययन करते हैं, अध्ययन के दौरान आप ये देखते हैं कि विज्ञान एक ऐसा तरीका है जो एक ये सिखलाता है, हम ऐसी चीज़ को जानते हैं उसमें जो एक पहले वो चीज़ नई इस दुनिया में ना बनी हो। चाहे आप कोई भी रिसर्च देखते हैं इससे पहले, चाहे अब हम अपने महान वैज्ञानिक, महान भौतिक शास्त्री डॉक्टर श्री सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का ही बात कर लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, जब समुद्र की यात्रा के दौरान उन्होंने देखा समुद्र का पानी नीला कलर का दिखाई दे रहा था, तो उन्हें लगा कि आकाश जो स्काई है, स्काई दिखाई दे रहा था, तो उस वक्त उन्हें ऐसा लगा कि समुद्र का पानी क्यों ऐसा दिखाई दे रहा। तो वो विकिरण क्या होता है, जब भी कोई सूर्य की किरण पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो उसका वेवलेंथ परिवर्तन हो जाता है, समझ रहे हैं। परिवर्तन होने के बाद ऐसा क्यों होता है, प्रकाश की प्रकीर्णन की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। वही जब बात किया जाता है तो लोगों के लिए विज्ञान हो गया और विज्ञान के लिए लोग, लोगों का विचार कैसा होना चाहिए विज्ञान के प्रति। विज्ञान के देखिए हर रिसर्च के, हर खोज के, हर अन्वेषण के, हर प्रक्रियाओं के उसका दुरुपयोग भी है, उपयोग भी। इसीलिए विज्ञान को ऐसी थीम पर रख करके चलना है कि लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग का जो रुझान होना चाहिए वो बिल्कुल अच्छा तरीके से तो होना चाहिए। बेसिकली मतलब प्रैक्टिकल वे पे हमें फोकस करना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आज जैसे थ्योरेटिकल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो उससे आगे बढ़ के हमें प्रैक्टिकल
थ्योरेटिकल पे पढ़ना चाहिए। थ्योरेटिकल की बेस की जब बात आती है, देखिए क्या होता है, थ्योरेटिकली तो हम उनके सैद्धांतिक चीज़ों को जान लेते हैं, लेकिन प्रयोगात्मक जब तक प्रक्रिया आप नहीं करेंगे, बिना प्रयोगात्मक किसी भी सिद्धांत का अध्ययन करने पर आपको तब तक उसकी पूरी प्रक्रिया नहीं मालूम हो सकती, नहीं पता चल सकती। सीवी रमन जी के बारे में कल ही मैं पढ़ रहा था कि वो जब रिसर्च कराते थे या रिसर्च करते थे, तो उनका बेसिक मतलब यही था कि रिसर्च मतलब कि बार बार खोजिए, जब तक कि आप संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि क्या ये सही है या गलत है, तब तक आप रिसर्च करिए। और मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहूँगा सर, ये जो विज्ञान में इनोवेशन हो रहे हैं उसका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए दृष्टिकोण? देखिए विज्ञान का जो दृष्टिकोण, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और यह हर युवा जहां मैं जाता हूं वहां पूछते हैं, विज्ञान के नए इनोवेशन के लिए दृष्टिकोण हमारा ऐसा होना चाहिए, उसमें देखिए बदलते दौर के साथ प्राचीन समय से लेकर के जो चल रहे थे वो अन्वेषण जो रिसर्च किए जा रहे थे, आप देख रहे थे चाहे आर्यभट्ट हों, अपने भारत के विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक, चाहे मान लीजिए डॉक्टर सर सी वी रमन तो हैं ही, उनके अलावा डॉक्टर जे सी बोस। अब देखिए विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तन जो होना चाहिए वो सबसे अच्छा नज़रिया ये है कि एक सिद्धांत दिया गया है, मैंने खुद दिया है, मीसा कैन चेंज इन द वर्ल्ड ऑफ द रियलिटी एजुकेशन ऑफ वर्ल्ड इन द साइंस। उस मीसास्वा वर्ड जो है एक कहा जाता है एम से यानी मल्टी टैलेंटेड, और उसके बाद इंटेलिजेंस। जब कोई भी इंसान के पास मल्टी टैलेंटेड प्रोसेस की प्रक्रिया आ जाती है, जो आ जाता है, उसके बाद इंसान खुद उसका आईक्यू लेवल जो होता है, जो बुद्धि लब्धि क्षमता होती है हमारी, वो अपने आप बुद्धिमत्ता में परिवर्तन हो जाती है मेंटल के एज के अनुसार। जैसे ही वह दृष्टिकोण परिवर्तन होता है तो सेफ फॉर सक्सेस यानी सफलता क्या उठती है उससे कि एडमिनिस्ट्रेशन इन द वर्ल्ड, यानी साइंस को एक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर तरीकों पर हमें लेकर जाना चाहिए, जो एक दृष्टिकोण का सबसे अच्छा नज़रिया है, एक पहलू है। तो पंकज जी वास्तव में प्राचीन काल में भी बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं, तो जो प्राचीन से लेकर आधुनिक और भविष्य में विज्ञान की संभावना कैसी होनी चाहिए, या फिर आपको कैसा लग रहा है कि किस फील्ड में ज़्यादातर होगा, क्योंकि जो सी वी रमन जी थे उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट में की जो कि ऑप्टिक्स का एक पार्ट है, तो ऑप्टिक्स से ही टेक्नोलॉजी आज इतनी ज़्यादा ग्रो कर पा रही है, तो कैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए ऐसे महान भौतिक शास्त्री तो वो तो बहुत ही बड़े रिसर्चर थे और एक जाने माने, उन्होंने विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था उन्होंने। उनकी जैसा कहा जाए तो प्रकृति में अगर जो जन्म लेता है वो बहुत ही विज्ञान का एक तरीके से बहुत ही नया परिवर्तन जिसे कहा जाता है, उस परिवर्तन का जन्म दाता क्रांतिकारी जैसे लाना, जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने लाया, उसी के जस्ट समान अगर हम आपने कहा प्राचीन संबंध से लेकर के देखिए, प्राचीन में जो रिसर्च किए जाते थे वो बहुत ही उपयोगी इस दृष्टिकोण से होते थे। पहले इतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं था, प्रदूषण के संबंध जैसे हम बात इसलिए किए, आप देखे थे जब चरक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और सुश्रुत चरक क्या करते थे, औषधियों से प्राकृतिक के साथ जोड़ते थे किसी भी विज्ञान को, चरक उन्हें का एक तरीके से जो क्या बोलते हैं औषधीय पौधों पर उनका बहुत ज़्यादा गहरी रुचि था, अध्ययन में बहुत ही गहरी रुचि, चरक संहिता उनकी एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसे आप लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा होगा। और उसके साथ साथ सुश्रुत, प्राचीन की बात हो रही है, सुश्रुत जो थे हमारे, उन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है, और उन्हीं के द्वारा आज जो विश्व में देन है प्लास्टिक सर्जरी उन्हीं के द्वारा संभव हुई थी, ना कि किसी भी इस क्रांतिकारी परिवर्तन को हमारे लाने वाले हमारे सुश्रुत जी ही थे। और जब आधुनिक धीरे धीरे दौर बदलता गया तो लोग ज़्यादातर, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने एक वाक्य लिखा है साइंस के बारे में, विलुप्त होता प्राकृतिक जहाँ मुझे रसायन की जंजीरों में जकड़ते जा रहा है। बहुत बढ़िया, देखिए विलुप्त होता प्राकृतिक जहाँ की जब बात की जाती है साइंस की दृष्टि से, पर्यावरण से देख लेते हैं तो आज ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल तरीके से बढ़ता जा रहा है, आप सभी देख रहे हैं लगातार इस भौगोलिक प्रक्रिया में परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये आ जाती है कि जो परिवर्तन हो रहा है
वो भविष्य में हमारे लिए कैसा होगा, आने वाले वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार जो हमारे वर्ल्ड साइंस ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 2050 तक इस धरती पर टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार बढ़ना अबाउट 2.0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 2050 तक ग्रोथ कर जाने के बाद इस धरती पर अन्न का उत्पादन भी होना बंद हो सकता है। इसीलिए आप सभी लोग साइंस के प्रति जागरूक हों और साइंस को लोगों के प्रति उनको अपनी प्रचार प्रसार को जिस तरीके से चाहे सैद्धांतिक रूप से और चाहे प्रयोगात्मक रूप से फैलाएं, जो एक नया तरीका जिससे हमारा धरती भी बचा है और मानव का सही रूप से कल्याण भी हो सके। जी, तो इसके बाद एक जो सवाल सभी के जहन में उठता है कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जो वास्तविकता में इस समय इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या इसका केवल उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम युवाओं को कुछ नई टेक्नोलॉजी दे दें? देखिए, जियो ने इतना अच्छा बेहतरीन कार्य किया लेकिन उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, तो ऐसी और ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या उससे आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो डायबिटीज़, कैंसर, टीवी, ये सब जो समस्याएं आ रही हैं लोगों के युवाओं में, तो हमारा जो बेसिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, संक्षिप्त में हमको जवाब दें। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का लोगों की थीम भी वही आपकी कह रही है, लोगों के लिए और विज्ञान, विज्ञान के लिए लोग। यहाँ जब थीम की बात आ जा रही है तो थीम से इतना सीधा उसका संबंध आ रहा है, सीधा समझ में ये प्रक्रिया आ रही है कि विज्ञान के लिए लोग का नज़रिया जो रिसर्च हुए हैं, आपने बात किया कि जो युवा हैं आज 5G टेक्निक जियो ने एक तरीके से नया क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र में। जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाती रही है तो देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ग्रोथ करने की वजह से रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। रेडिएशन किरणों की वजह से आप देख रहे हैं स्किन कैंसर के डिजीज, उसके साथ साथ मनुष्य में सबसे बड़ी बात आ जा रही है कि जो साइकोलॉजिकल ट्रामा, ये मानसिक अवस्था का परिवर्तन देखा जा रहा है, इतनी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, इसकी वजह से जो इतने हाईली इफेक्ट हो रहे हैं और इस वजह से बहुत ही व्यापक स्तर पर एक तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी उसकी सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब बात की जाती है तो साइंस को देखते हुए, तो उसके प्रति देखिए क्या होता है कि जो चीज़ बना है, कोई चीज़ जैसे आपको बता दूँ, अब देखिए, अब कोई सीमित चीज़ होता है, बात कर लिया जाए, जैसे हम कह दें फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को याद रखें, यदि आपका जो बैलेंसड डाइट हो वो भी एक तरीके से जैविक वर्गीकरण में आ जाएगा। अब अगर हम आपके बायोलॉजिकल कंडीशन से लेकर साइकोलॉजिकल ट्रामा से जस्ट उसी से संबंध होता है, रिलेटेड होता है आपका बायोलॉजिकल की बात। अगर यदि आपका उतना खाने का वो स्तर है, अगर मान लीजिए कोई भी बात किया जाता कि विटामिन हो गया और मिनरल्स हो गए, जो विभिन्न प्रकार के आपको बैलेंस्ड डाइट में आपके न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, अगर उन न्यूट्रिएंट्स का लेवल हल्का सा डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज हो जाए, तब पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो कहा भी जाता है कि न केवल विटामिन ए बल्कि जीवन के लिए सभी प्रकार के विटामिन की आवश्यकता है, तो उसी प्रकार हमारे लिए भी मेंटल, हमारा जो सोशल, हमारा जो फिजिकल है, सभी में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तभी जाके हम कुछ आगे कर सकते हैं। आज के छोटे छोटे बच्चे, अगर बात कहूँ तो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में बहुत देर तक लगे रहते हैं, वो बात नहीं, वही जो एक अमेरिका में रिसर्च हुआ था, एक सर्वे हुआ था, और उसमें सर आपको पता होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो पहले थे स्कूल के बच्चे, उनमें दूसरी समस्या थी, और आज के जो बच्चे हैं उनमें दूसरी समस्या है, तो वो जो समस्याओं का जो परिवर्तन हुआ है, समस्या पहले ये थी कि छोटे छोटे लड़के लड़ाई करते थे, अपनी छीना झपटी करते थे, और आज क्या है कि आज तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इसमें लगातार लगे रहते हैं, लाइक्स कितने मिले, कितना ज़्यादा उनको रिट्वीट किया गया, ये सब तो कहीं कहीं आपको लगता नहीं कि साइंस का दुरुपयोग हो रहा है? देखिए, यहाँ साइंस के दुरुपयोग सबसे बड़ी बात ये आ जा रही है, जैसे आप देखते हैं विज्ञान को एक सोसाइटी के दृष्टि से हम देखें तो देखिए, सबसे पहले हमारे सोसाइटी के दृष्टि से अगर साइकोलॉजी के बेस पर देखें तो सबसे पहले हमारे परिवार से दूरियां बढ़ती जा रही है, सबसे बड़ी बात, परिवार में बात नहीं होती। हाँ, फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड है। हाँ, ये कैसा मतलब, आज जो एक शायर ने कहा कि मिलने वाले हर महफिल में मिलते हैं लेकिन हम उनके कायल हैं जो दिल से मिलते हैं, तो लोग तो आपको फेसबुक में, व्हाट्सएप में, हर जगह मिल रहे हैं,
तो सर आपको नहीं लगता कि क्या कहीं ना कहीं ये एक इमोशनल इंटेलिजेंसी लोगों में कम हो रही है? आईक्यू है लेकिन ईक्यू नहीं है, इसका साइंस में क्या आज के यूथ पर इसका कहीं ना कहीं प्रभाव तो हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी प्रभाव बात ये आ रही है, हम ये देख रहे हैं लगातार युवाओं की सोच में परिवर्तन की प्रक्रिया बदलती जा रही है, और इसी कारण जो है अगर विज्ञान को लगातार एक अच्छे स्तर पर लेकर के जाना है तो हमें ज़्यादातर उस चीज़ से संबंध न रख करके जो हमें हानि पहुंचाती है उनसे कुछ अलग प्रक्रियात्मक नज़रिया को अपनाना है, समझ रहे हैं? अन्वेषण की एक ऐसी परिवर्तन की प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे हमारे ऊपर दुरुपयोग ना हो, ज़्यादातर उसका उपयोग बना रहे, और ये लगातार जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है वह एक अच्छे सुचारू रूप से चलती रहे, जिससे हमारे युवाओं पर, जो हमारे युवा हैं, कोई आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई जो आपके छात्र हो या फिर कोई आपके आसपास के या परिवार के हो जिन्होंने आपके साथ ऐसी समस्या बताई कि हमारा बच्चा टीवी के कारण खाना नहीं खाता, प्रोग्राम के कारण खाना नहीं खाता, कुछ ऐसे आपसे हो जाते हैं लड़के? जी बहुत ऐसी प्रक्रियाएं मिलती रहती हैं हमेशा, हर सतत प्रक्रिया में ऐसे डेली मिल जाते हैं कैरियर काउंसलिंग के दौरान। हाँ, विज्ञान और विज्ञान का संबंध लेकर के देखते हैं उसमें विज्ञान के लिए लोग, तो उसमें जब प्रक्रिया आती है तो रोज़ कुछ ना कुछ शिकायतें कहीं ना कहीं से मिल जाती हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पता नहीं एक तरीके से जो क्या होता है अट्रैक्शन हो जाता है, समझे, ये इंटरेक्शन नहीं होता, कि किसी भी व्यक्ति का जो अटेंशन होता है वो कंसंट्रेट होने ही नहीं पाता। सबसे बात, अटेंशन कंसंट्रेट कैसे होगा? देखिए जब आप उस टेक्नोलॉजी के प्रति, अब टेक्नोलॉजी की बात आ रही है, साइंस और टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करते हैं, उसमें उसके प्रति इतना ऐसा लगाव होना चाहिए जिससे हमारा ध्यान कंसंट्रेट हो, ना कि हम उसका क्या बोलते हैं एक अलग तरीके से परिवर्तन होता जाए। हाँ, और बात तो, एक तो ये जो कहीं ना कहीं साइंस टेक्नोलॉजी ये सब उन्हीं की देन है, हमारे सी वी रमन जी की ऑप्टिक्स के कारण। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बहुत लोग कहते हैं कि साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, हमें हमारा ये सहारा भी हो सकता है और हत्यारा भी हो सकता है, तो मुझे लगता है कि आप यही कहना चाहेंगे कि हमको जो हमारी यूथ है उनको सहारा के रूप में यूज़ करना चाहिए, अपना हत्यारा, समय का हत्यारा नहीं, हमारी एनर्जी, तो जो रात रात लोग जागते रहते हैं, तो ये निगेटिव इम्पैक्ट जो फाइनली आप अपने हमारे यूथ से, हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें? देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे सभी जो प्रिय युवा सुन रहे हैं उनको सबसे अच्छा वर्तमान का इस थीम के अनुसार, जो हमारी थीम इस वर्ष की थी उस थीम के अनुसार बताऊं तो आप सभी को एक ऐसा नज़रिया आप लोग लाइए जो एक अलग परिवर्तन लाए, और परिवर्तन की बात यहाँ बात ये आ जाती है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र हो, चाहे कृषि से क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर उस क्षेत्र में ऐसा परिवर्तन आपको लाना है कि उसका जो नज़रिया होना चाहिए, रिसर्च यानी अनुसंधान का जो नज़रिया होना चाहिए वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। आज अनुसंधान का जो दौर चल रहा है, अनुसंधान में बात जब की जाती है तो सबसे बड़ी बात की जाती है ऑर्गेनिक रिसर्च होना चाहिए। ऑर्गेनिक रिसर्च का कहने का तात्पर्य ये होना है कि जो ऑर्गेनिक के साथ रिलेशन होगा, आप जैसे देखते हैं, आप देख रहे हैं लगातार जो आज कृषि का उत्पादन, पहले प्रोडक्शन इतना नहीं होता था, अब प्रोडक्शन जब ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से ले लीजिए, उसका संबंध उसमें परिवर्तन करिए, तो हमारा जो होना चाहिए वो नेचर से बिल्कुल जुड़ा होना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे ऊपर प्रकृति का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारी प्रौद्योगिकी और विज्ञान भी पूरी तरह से संरक्षण रहेगा। तो आप लोग, हम लास्ट में आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि विज्ञान में परिवर्तन के क्रांतिकारी दौर को लाने के लिए आइए कुछ करते हैं एक नए आगाज का दिन, और कर देते हैं एक अच्छी शुरुआत का दिन, और इस विज्ञान के प्रति एक नया नज़रिया का, एक सोच का, एक अलग तरीके का। बहुत 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 धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, और सर आपने हमें टाइम दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, साइंस के बारे में एक नया नज़रिया उनको मिला होगा, एक नई बात सामने आई होगी, और सबसे जो मुझे खास लगा कि सर ने, हम इतना विनम्र हैं कि सर ने हमारे लिए समय निकाला, आप सबके लिए समय निकाला। जी बिल्कुल, और इसी के साथ सर से मैं
एक मिस्टर हिमांशु जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी जी कि ये बहुत ही जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं और करियर काउंसलर, तो हम ये कह रहे हैं आप देख रहे हैं विश्व की इस परिवर्तन के साइंस की दृष्टि से जोड़ना चाहता हूँ इसी विज्ञान की थीम समझिए, एक तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर एक साइंटिस्ट होता है, एक पूरे साइकोलॉजिकल बेस किसी भी ह्यूमन के माइंड को पूरी तरह स्टडी करके वह उसमें शामिल करता है। तो ये बताइए विश्व में प्रेजेंट टाइम में बहुत बहुत से बड़े बड़े एक कहते हैं धारा जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट की तरह, हमारे बहुत ही फेमस इंडिया के संदीप माहेश्वरी, मिस्टर विवेक बिंद्रा जी और बहुत से विभिन्न विदेशी जो विभिन्न प्रकार के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो उनके बीच क्या अपने आप को आप स्थापित कर सकते हैं ये क्या कैसे बता सकते हैं मिस्टर हिमांशु तिवारी और हमारे युवाओं से बताने की कोशिश आप करें? सर आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा जी। आज तो संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, शिव खेड़ा, उज्जवल पाटनी, सोनू शर्मा और न जाने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो अपने फील्ड में बहुत टॉप पे हैं। मेरा उनसे कंपैरिजन नहीं है, अगर हम कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि हम उनके पास्ट को भूल जाते हैं, केवल प्रेजेंट को देखते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है तब जाके आज वो इस मुकाम पे हैं। लेकिन मैं अपने लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपना टाइम आएगा, सभी का समय आता है और सर मुझे भी उम्मीद है कि अपना टाइम आएगा अगर हम अपना काम करते रहे तो, न केवल व्यूअर्स हैं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है। और मैं अपने आप को इसमें स्थापित ही नहीं बल्कि उम्मीद है कि सभी का आशीर्वाद रहेगा तो मैं बहुत आगे तक भी जाऊंगा। मैं आप सभी लोगों के सामने मिस्टर हिमांशु तिवारी जी के लिए और इनके लिए कुछ वाक्य कहना चाहता हूँ। दुनिया को देखा जहाँ को देखा, दुनिया को देखा जहाँ को देखा, विज्ञान में देखा और लोगों को देखा, पर आप जैसा मोटिवेशन स्पीकर नहीं देखा। अरे सर तो बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा और ऐसे ही अगर आपको इंटरव्यू पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को और लाइक करिए, हमारा उत्साह बढ़ता है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।